उपमंडल स्वारघाट के तहत आने वाली ग्राम पंचायत री की गरा बघेरी संपर्क सड़क पिछले करीब 2 माह से बंद पड़ी थी, जिसे गत गुरुवार से 4 लेन कंपनी द्वारा दुरुस्त करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। बता दें कि भारी बरसात के कारण इस सड़क पर जगह जगह भारी मात्रा में मलबा पत्थर गिरा था और कई जगह से सड़क भी धंस गई थी। सड़क पूरी तरह से बंद होने के कारण गरा व बघेरी गाँव के ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। गाँव में अगर कोई बीमार हो जाता था तो उसे पालकी में लेकर आना पड़ रहा था। वहीं स्कूली बच्चों को भी स्कूल आने जाने में परेशानी झेलनी पड़ रही थी। स्थानीय लोगों ने हाल ही में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव विकास ठाकुर को इस समस्या से अवगत करवाया था, जिसके बाद उन्होंने 4 लेन कंपनी को इस संपर्क सड़क को बहाल करने के दिशा निर्देश दिए थे। उनके निर्देशों के बाद गुरुवार के दिन 4 लेन कंपनी ने सड़क को ठीक करने के लिए अपनी मशीनरी भेज दी थी। सतीश कुमार शर्मा और गरा बघेरी के ग्रामीणों ने विकास ठाकुर का आभार एवं धन्यवाद प्रकट किया है। ग्राम पंचायत री में काफ़ी समय से एक बड़ी प्रॉब्लम, रोड की बड़ी तगड़ी प्रॉब्लम चली थी और बरसात के चलते हुए वह जो रोड था ख़राब हो चुका था। हमने 2-3 दिन पहले माननीय हिमाचल कांग्रेस कमेटी के महासचिव विकास ठाकुर से हमने बातचीत की। उन्होंने NHI से बात करके इस जो समस्या गरा बघेरी के रोड की जो समस्या था उसका समाधान करवाया और आज उन्होंने यहाँ पे NHI वाले भेजे और साथ में ही 2-3 टिप्पर कोकलैन भेजी और जो काम है रोड का वो सुचारू रूप से उसको स्टार्ट करवा दिया है। हम समस्त गांववासी माननीय हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव विकास ठाकुर जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हिमाचल प्लस उसली स्वारघाट से राजेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।